नहीं है। इससे पहले मैंने जो ब्लॉग बनाया था ना, जो सिविल में लोग रहते हैं बाहर, मुनीरका का मैंने बनाया था ब्लॉग, जिसमें आप लोग ने देखा कितना कंजस्टेड है, छोटे छोटे रूम हैं और उसका किराया देखो 7 से 8 हज़ार रुपया सिंगल रूम का। और यहाँ पर डबल बेड का आपको रूम मिल जाते हैं, बाथरूम किचन सेपरेट दो बाथरूम मिल जाते हैं। और ये रही मज़े की बात, सबसे प्यारा यहाँ पे दिखता है। जिस आदमी को यहाँ पे क्वार्टर मिलेगा ना, वो तो बड़ा भाग्यशाली माना जाएगा। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ सरोजनी मार्केट के जो NBCC क्वार्टर हैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, कि मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि इनकी बिल्डिंग कब शुरू हो रही है कब शुरू हो रही है। तो मैं आज फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ और इन लोगों से बातचीत करेंगे हम। तो बातचीत करने के बाद हमें मालूम पता चला कि अभी इनका जो काम है ना, 1 से लेकर 9 जो टावर बने हुए हैं उनमें तो काम कम्प्लीट हो गया है, बाकी रहे यहाँ के पीछे के लेकर क्वार्टर 9 से लेकर 19 तक, क्योंकि 19 टावर हैं ये, तो उनमें भी काम बहुत बाकी है। अभी गैस पाइपलाइन में बाकी हुआ, अभी देख सकते हैं ये मशीनरियाँ वगैरह सारी यहीं पे पड़ी हुई हैं, तो ये काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी रही यहाँ वाले क्वार्टर जो हैं 1 से लेकर 9 टावर तक, वो क्वार्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, लोन भी एकदम फिट एंड फाइन हो चुके हैं। तो आप लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ का अपडेट दीजिए, तो अपडेट इसका यही है कि यहाँ के जो 9 से लेकर टावर 19 तक जो 10 टावर हैं हमारे पास में, इन टावरों की अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये मशीनरियाँ वगैरह काम करने वाले जो काम ऐसे पड़ा हुआ है, पेंडिंग है। और अब इसकी बिल्डिंग कब शुरू होगी, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इतना जल्दी इसकी बिल्डिंग शुरू होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं खुद ही इस इलाके को, ये पूरा इलाका जो है, बाकी पेंटिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, नंबरिंग वगैरह भी सारी हो गई है टावरों की, बस गैस पाइपलाइंस और बाहर का जो ये कचरखाना है इसको थोड़ा सा ठीक करना होगा, बाकी सब कंप्लीट है। तो आपको हम ये बाहर का पूरा सराउंडिंग एरिया दिखाएंगे और आप लोगों को इस चीज़ से आगाह कर देते हैं कि आप इसकी जल्दबाजी में ना रहें, क्योंकि ये अंडरपास का भी अभी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे काफ़ी ट्रैक्टर वगैरह ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं और ये देख सकते हैं पूरा सामान अभी इनका यहीं पर पड़ा हुआ है। देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में या तो यह नेक्स्ट ईयर में ही 2025 जनवरी से हो सकता है इसकी बिल्डिंग शुरू हो जाएगी, इससे पहले होना नामुमकिन है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा काम जो हुआ है इसका सामान पूरा ऐसे बितर बितर पड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई भी अलाटमेंट नहीं होता है जब तक ये पूरा क्लियर नहीं होगा, तब तक किसी भी फैमिली मेम्बर को यहाँ पर रहने की कोई परमिशंस नहीं मिल पाती है। ये देख सकते हैं आप, ये टावर 10 और 11 का ये जो इलाका है, काफ़ी खूबसूरत क्वार्टर्स हैं और टाइप 2 क्वार्टर हैं सारे ये। मैंने आपको पहले ही ब्लॉग में बता दिया था कि ये जो टाइप 2 क्वार्टर हैं वो टाइप 2 ही क्वार्टर सारे के सारे हैं, जितने भी यहाँ पे 19 टावर बने हुए हैं सब टाइप 2 ही हैं। इसका बाहर का इलाका मैंने आप पीछे से आपको नहीं दिखाया था कि कितना इलाका बनता है इसका, जब यहाँ पर रोड भी इनका सही ढंग से नहीं बना, मिट्टी मिट्टी है इस रोड में, पूरा मिट्टी मिट्टी है। तो आने वाले समय में जब भी इसकी अलाटमेंट होगी तो बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी बनेगी, ये बहुत ही प्यारी सोसाइटी है ये। और फिलहाल यहाँ पे कोई बिल्डिंग का कोई अभी आता पता नहीं है, तो जिससे हम पूछते हैं वो बोलते हैं कि भाई कोई पता नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे अलाटमेंट होगा भी नहीं। आप देख सकते हैं काफ़ी काम अभी बाकी है, हमें पीछे की साइड आ रखा हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये पीछे का इलाका है, यहाँ पर अभी भी काम चल ही रहा है, आप देख सकते हैं ये टावरों में अभी भी काम बाकी है, और ऐसी सिचुएशन में कोई भी यहाँ पे अलाटमेंट अभी फ़िलहाल नहीं हो पाएगा, ये देख सकते हैं आप। पर जो ये सोसाइटी जब बन के तैयार होगी तो बिल्कुल एक बेहतरीन ही इसका एक मज़ा आएगा, यहाँ पे जो भी जिनको यहाँ पे क्वार्टर अलाट्स होंगे, काफ़ी प्यारा है और थोड़ा शांत सा माहौल है। फ्रंट साइड में इसमें सरोजनी मार्केट लगती है और पीछे की साइड में देखो अभी कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रहा है, आपको मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा, वो देखो यहाँ पे जो है अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें बनेंगी, मैरिज हॉल्स बनेंगे और कम्युनिटी हॉल्स बनेंगे, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बनेंगी। 10 यहाँ से टावर 10 से लेकर 19 तक, टोटल 19 टावर हैं ये, और 10 से लेकर 19 तक का जो टावर है इनमें, बाकी तो तकरीबन कम्प्लीट हो चुका, आप देख सकते हैं सब कम्प्लीट है, बस
इशू है, बस ये बाकी जो गैस पाइपलाइन वगैरह और वाटर सप्लाई का शायद बाकी काम है, जिस वजह से ये अभी पेंडिंग है। एक देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है सामान अभी तितर बितर, और जब यहाँ पे अलाटमेंट होगा तो यहाँ पे बिल्कुल साफ क्लीन नीट एंड क्लीन, और रोड भी पूरा ब्लैक टॉप किया होगा। अभी तो देखो ये मिट्टी वाला रोड है, आप देख सकते हैं मिट्टी वाला रोड है। अभी मैं ये 13 और 14 टावर के पास में आ चुका हूँ, टोटल इसमें 19 टावर हैं। अरे भाई कितने टावर हैं इसमें? 19 टावर हैं। टोटल क्वार्टर्स कितने हैं? क्वार्टर इनको पता नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये टावर 13 और टावर 14, मगर काफ़ी बड़ा इलाका है और काफ़ी बेहतरीन क्वार्टर हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि इस ये जो सोसाइटी बनेगी यहाँ पे सिर्फ सिर्फ टाइप 2 ही क्वार्टर हैं, जो ORS रैंक मतलब सिपाही से लेकर हवलदार तक जो रैंक पे होते हैं उनको ही ये क्वार्टर अलाट होते हैं, जिनकी ये देख सकते हैं ये यहाँ का इलाका टावर 14 और आगे का देखो, आगे का बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें तो लोन बन के भी तैयार हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। आपको एक बार लोन दिखाना चाहूँगा मैं, जो जिस इस फ्रंट साइड के जो सरोजनी नगर साइड के जो क्वार्टर हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। ये 9 टावर हैं 1 से लेकर 9 तक, वो बिल्कुल कम्प्लीटली बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देख सकते हैं ये टावर हैं, और ये देखो इनमें लोन भी बहुत बढ़िया बन गया है। देखो लोन के साथ में यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है एवरग्रीन के पौधे लगाए गए हैं। ये देखो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इसको, देख सकते हैं आप। और अब ऐसे कंडीशन में जब आदमी को ये अलर्ट होगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देख सकते हैं आप क्वार्टरों के पीछे कितना अच्छा ये बनाया गया है, पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर लगाए गए हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये जो इलाका है ना, आज उस पहली टाइम में जब आया था तो उस टाइम तो घास बिल्कुल नहीं लगी हुई थी, पर आज शायद एक महीने के बाद आया हूँ मैं तो यहाँ पे देखो घास भी बड़ी बढ़िया तरीके से लगी हुई है, और यहाँ पे पेड़ पौधे भी अच्छे लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपको जूम करके दिखाऊँगा, देखो ये देखो बहुत ही प्यारा इलाका है ये, और जब भी इसकी ब्रीडिंग शुरू होगी तो बड़े किस्मत वाले लोग होंगे जो इस सोसाइटी में यहाँ पे इन क्वार्टरों का आनंद लेंगे, नए क्वार्टर्स कोई टेंशन नहीं। तो गाइज ये हैं सरोजनी नगर के क्वार्टर, NBCC के क्वार्टर जो हैं। अभी काफ़ी दिनों से इनका ब्रीडिंग का प्रोसेस चलना बाकी था पर हुआ नहीं अभी तक कंप्लीट, शायद मे बी ये 2 महीने और लग जाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर आधा तो तैयार हो गया है, मैंने आप जो बता दिया आपको। और ये जो देख सकते हैं आप काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर लोग जो रहेंगे जिनको यहाँ पे क्वार्टर लाट होगा, और मैं उनको खुशनसीब मांगता हूँ क्योंकि इस प्यारे से वातावरण में उनको रहने के लिए मिलेंगे नए क्वार्टर्स, कोई टेंशन नहीं कोई, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट क्वार्टर में दीवारें टूट जाती हैं, नल ख़राब हो जाते हैं, पर नई जो चीज़ होती है उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंटेनेंस फ्री है, मज़े से आप रह सकते हैं। तो ये आज का जो व्लॉग था बहुत ही इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब इंटरेस्टिंग तब होगा जब इसकी ब्रीडिंग लगनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल इसकी ब्रीडिंग अभी नामुमकिन है क्योंकि बाकी 10 टावरों में अभी काम पूरा हुआ नहीं है, जिस वजह से इसको डिले किया गया है। आगे के जो 1 से लेकर 10 टावर हैं 9 टावर हैं वो बिल्कुल फुली कम्प्लीट हैं, जो मैंने आपको बता दिया आप देख सकते हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं लीलाधारी होटल, ये सामने लीलाधर होटल है, लीला प्लेस जिसे बोलते हैं हम, और वो बिल्कुल आपके सामने हैं। घर में खाना बनाओ या ना बनाओ, जाके सीधा होटल में खाना खाओ, आके इस क्वार्टर में आप आनंद से सो जाओ, है ना मज़े की बात। तो आगे बढ़ते हैं फ्रंट साइड में, ये तो मिडल साइड थी जहाँ मैंने आपको दिखाया, जो क्वार्टर का फ्रंट में जाऊँगा अभी उस फ्रंट साइड में, जिसकी साइड रोड के उस पार में जो है सरोजनी मार्केट लगता है। जैसे कि आप जानते हैं सरोजनी मार्केट एक फेमस मार्केट है दिल्ली का, चीपेस्ट मार्केट जिसे बोलते हैं। तो देख सकते हैं आप इसका इलाका बहुत प्यारा इलाका है, खुली मतलब जगह है, कोई कंजस्टेड नहीं है। इससे पहले मैंने जो ब्लॉग बनाया था ना, जो सिविल में लोग रहते हैं बाहर मुनीरका का मैंने बनाया था ब्लॉग, जिसमें आप लोगों ने देखा कितना कंजस्टेड है, छोटे छोटे रूम हैं और उसका किराया देखो 7 से 8 हज़ार रुपया सिंगल रूम का, और यहाँ पर डबल बेड का आपको रूम मिल जाते हैं, बाथरूम किचन सेपरेट 2 बाथरूम मिल जाते हैं। और ये रही मज़े की बात, और मैं आ चुका हूँ फ्रंट साइड में, यह है इसका फ्रंट साइड। और फ्रंट साइड में आपको देखो बहुत बेहतरीन लुक देखने को मिलेगा, उस साइड में रोड हेड है मेन रोड, उस साइड में सरोजनी मार्केट लगती है, ये इसका फ्रंट एरिया मतलब खुला डुला है, कोई कंजस्टेड नहीं है, काफ़ी चौड़े चौड़े रोड भी हैं अंदर के आप देख सकते हैं।
चारों तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन लुक दिख रहा है, और ये इसका जो लुक है ना सबसे प्यारा यहाँ पे दिखता है। जिस आदमी को यहाँ पे क्वार्टर मिलेगा ना वो तो बड़ा भाग्यशाली माना जाएगा, सही बात है ना। ये देख सकते हैं, अब मैं आप लोगों को इस क्वार्टर के बारे में जो जानकारी देना चाहता था मैंने दे दी है। तो आई होप ये आज छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी इसकी अलाटमेंट होगी तो मैं आप तक इस बात को पहले ही पहुंचा दूंगा कि इसकी बिडिंग शुरू हो गई है। जो भी इच्छुक है, जो भी इसके लिए क्राइटेरिया जिसका बैठता है, वो यहाँ पे क्वार्टर अप्लाई कर सकता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। तो गाइज इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।